सो हेलो एंड वेलकम गेमर्स। सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो गेमर्स मैं आज आप सभी के लेके आ चुका हूँ GTA San Andreas PC के अंदर एक ट्रोन बाइक का चीट कोड, जिसको आप अपने गेम के अंदर एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अपनी ट्रोन बाइक दिखाता लूँगा, उससे पहले देखो अपने CJ बाइक को क्या ही औसम लग रहे हैं। तो अपने ट्रोन बाइक के लिए यहाँ पर कार स्पॉनर को एक्टिवेट करता हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास कार स्पॉनर नहीं हो तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करो, और यहाँ पर देख सकते हो अपनी ट्रोन बाइक आ चुकी है। मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही है ये वाली जो ट्रोन बाइक है, इसका मॉडल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। इसके चीट कोड को आप भी अपने गेम के अंदर एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे आप इसके चीट कोड को एक्टिव करोगे वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखना है, कहीं पर भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखो गाइस बहुत ही अच्छी है इसकी, मेरे को हैंडलिंग वगैरह सब कुछ मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बढ़िया ये वाली बाइक है। तो चलो मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कि कैसे आप इसके चीट कोड को अपने गेम के अंदर एक्टिव कर सकते हो। और आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल वाले बेल आइकन को भी ऊपर करना, और कमेंट करके बताना आपको ये वाली बाइक कैसी लगी। हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और आप में से मोस्टली लोगों ने मेरे इंस्टा पर फॉलो नहीं कर रखा, जल्दी जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस वाले चीट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक फाइल चाहिए, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसको एक्सट्रैक्ट फाइल करना राइट क्लिक करके, और यहाँ पे इसको ओके प्रेस कर देना। उसके बाद यहाँ पे इसका फोल्डर आ जाएगा, इस फोल्डर के अंदर आपको चले आना गाइस। इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको दो फाइल देखने को मिलेंगी, जो ग्रीन कलर की फाइल है उसको डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है। और जैसे ही आप ओपन करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है। वेट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा रुको, कुछ इस प्रकार का देख सकते हो। तो ये आ चुका है, अब आप यहाँ पे अपनी बाइक की स्क्रीनशॉट देख सकते हो, गेम प्ले स्क्रीनशॉट, जो कि बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करके अपनी GTA San Andreas को सिलेक्ट करने लाएँ, रिबिल्ड पे क्लिक करके इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना। अब ये लोडिंग थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेने वाली है, तो मैंने आप वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है। और जैसे ये लोडिंग ख़त्म होती है 2 या 3 मिनट में, तो आपको इसे क्या करना है, कट कर देना है, इसे यहाँ पर क्लोज कर देना है। और अपने गेम के अंदर जैसे ही आप कार स्पॉन चीट को एक्टिवेट करोगे तो वहाँ पे आपको ये बाइक मिल जाएगी देखने के लिए। और अगर आपके पास कार स्पॉनर नहीं है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करो। अगर आप अपने GTA San Andreas के अंदर कावासाकी सुपर बाइक को चीट कोड को एक्टिवेट करना चाहते हो तो वीडियो के एंड में कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस है उनको चेकआउट करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल नए सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, कॉमेंट करके बताएं आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी। मैं मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।